इस तस्वीर में मौजूद ये चेहरा इस वक्त पूरी यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। नाम मोहम्मद असद, पहचान अतीक अहमद का बेटा, जुर्म उमेश पाल और उसके सरकारी सुरक्षा कर्मियों की हत्या। मगर सवाल यही है कि असद इस वक्त कहां है, क्योंकि 24 फरवरी के बाद से ही वो फरार है। उसका अता पता किसी को नहीं मालूम। शाइस्ता परवीन और मोहम्मद असद यानी मां बेटे की इस मोस्ट वांटेड जोड़ी की तलाश प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस सरगर्मी से कर रही है। बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, 100 से ज्यादा मुकदमों का मुलजिम बाप जेल में बंद, लेकिन शातिर बेटा फरार। उमेश पाल हत्याकांड में पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग करने वाला असद कितना शातिर है, इसका खुलासा अब हो रहा है। अतीक के तीसरे नंबर का बेटा असद इतना शातिर है कि पुलिस की आंख में धूल झोंकने का प्लान उसने पहले ही तैयार कर लिया था। वारदात के दिन वो इस सफेद क्रेटा कार की पिछली सीट पर बैठा था। बताया जा रहा है कि उसे सिर्फ इस वजह से मौके पर भेजा गया था ताकि अपनी निगरानी में इस लाइव एक्शन को अंजाम दे सके। लेकिन जोश में न केवल वो क्रेटा कार से उतर गया बल्कि फायरिंग भी करने लगा। बस असद की यही गलती उसकी सबसे बड़ी चूक साबित हुई, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा कैद हो गया। हालांकि अपने जुर्म से बच निकलने का प्लान उसने पहले ही तैयार कर लिया था। असल में पहले से ही उसके नाम कोई जुर्म दर्ज नहीं था, मगर इस जुर्म को उसने अपने चाचा और पिता के कहने पर ही अंजाम दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब यूपीएसटीएफ की टीम लखनऊ में यूनिवर्सल अपार्टमेंट के उसके फ्लैट पर छापेमारी के लिए पहुंची। लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट का 202 फ्लैट, ये वही फ्लैट है जिसका इस्तेमाल असद ने और शूटर्स ने यहाँ रुकने के लिए किया था। बताया जाता है कि असद का यहाँ आना जाना था, लेकिन पुलिस एसटीएफ की यहाँ पर रेड हुई और उसके बाद में इस फ्लैट को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लेकिन अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि असद की पूरी कोशिश थी, साजिश थी पुलिस को गुमराह करने के लिए, इसीलिए उसने अपने मोबाइल को इस लोकेशन पे छोड़ा था। इसके अलावा एटीएम से ट्रांजैक्शन भी किया गया, ये दिखाने के लिए कि घटना के वक्त असद की मौजूदगी लखनऊ में थी, प्रयागराज में नहीं। सबसे हैरानी की बात तो ये खुलकर सामने आई कि असद ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ सबूतों को जानबूझकर इस तरीके से मौके पर छोड़ा ताकि तफ्तीश की दिशा भटक जाए। फ्लैट से पुलिस को असद का आईफोन बरामद हुआ। एसटीएफ के मुताबिक ये उसने जानबूझकर यहां छोड़ा ताकि बाद में वो ये साबित कर सके कि उसकी लोकेशन प्रयागराज में नहीं लखनऊ में थी। इसी चाल के तहत उसकी बुआ आयशा नूरी ने आज तक से बातचीत में पूरे भरोसे के साथ दावा किया था कि वो लखनऊ में अपने फ्लैट पर था। फोटो देखी आपने, असद है उसमें? नहीं, असद उसमें नहीं था, बिल्कुल असद वो अली वहाँ लखनऊ की डिग्री कॉलेज में। आप लोग सब मालूम कर लीजिए सर, हम इतना बता रहे हैं, हमारे पति को अभी एसटीएफ ने उठा लिया। 24 फरवरी को असद कहाँ था? लखनऊ में था, जिस डिग्री कॉलेज में पढ़ता है, जिस फ्लैट पे रहता है। ये भरोसा उस साजिश की वजह से था जिसके तहत असद ने अपना आईफोन अपने फ्लैट में छोड़ा। लेकिन सिर्फ फोन ही नहीं, अपने एटीएम कार्ड से भी असद ने लखनऊ के एक एटीएम से पैसे निकलवाए ताकि ये साबित हो सके कि वो लखनऊ में ही था। यूपी पुलिस और एसटीएफ की 22 टीमें प्रयागराज हत्याकांड को लेकर रची गई ऐसी तमाम साजिशों का एक एक कर पर्दाफाश कर रही हैं।